नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो आप किचन गार्डनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग का शौक़ करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपने गंवार फली अपने घर में ज़रूर लगाया होगा। अपने जो घरेलू उपयोग के लिए, अपने जो डेली के यूज़ के लिए जो दोस्तों आपने गंवार फली का पौधा ज़रूर लगाया होगा। ऐसे में दोस्तों किस तरह से उसका देखभाल करना चाहिए गर्मी के दिनों में, विशेषकर देखा जाता है गर्मी के दिनों में सभी प्रकार की जो सब्जियाँ होती है उनमें फलों की संख्या में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आती है। ऐसे में किस तरह से आप उनमें फल की वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में उनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी पाता है और ऐसे अन्य जो कारण हो सकते हैं जिसके कारण दोस्तों उनमें फल लगने की संख्या बहुत कमी आ जाती है। तो किस तरह से आप उनमें बेहतर फल लेंगे, तो उसके लिए दोस्तों आपको गर्मी के दिनों में अपनी सभी प्रकार की जो सब्जियाँ, चाहे वो गंवार फली क्यों न हो, उनमें दोस्तों समय समय पर पानी देते रहना चाहिए। यदि आप 2 से 3 दिन के अंतराल में उनमें पानी देते रहते हैं तो वो पर्याप्त है उनके लिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में तापमान बहुत ज़्यादा गर्म होता है जिसके कारण जो इनकी जो मिट्टियाँ होती है जहाँ पर ये लगी होती हैं वो दोस्तों बहुत ज़्यादा सूख जाती है। ऐसे में पौधों को पानी अवशोषित करने का दोस्तों मौका ही नहीं मिलता, जिसके कारण उनमें फल नहीं लगते हैं। तो ये हमारा भी पौधा, इनमें अभी ज़्यादातर फल नहीं लगे हैं, तो इन पर दोस्तों हम एक फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं जिसको आप भी अपने पौधे पर डाल सकते हैं, इससे बेहतर उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो फर्टिलाइज़र है बहुत ही कम कॉस्ट या कह सकते हैं फ्री में बनता है। इसके लिए आपको लगभग 50 से 60 ग्राम जो सरसों की खली है वो चाहिए होगा, साथ में लगभग 200 से 300 ml पानी चाहिए, और जो खली है आपको पशुपालक जो पशुपालन करते हैं उनके यहाँ से मिल जाएगा। और ऐसे किसान होते हैं जो सरसों की खली जानवरों को नहीं देते हैं, तो ऐसे में जो पशु आहार बनाते हैं उनके यहाँ से दोस्तों आप यदि 50 से 60 ग्राम मांगते हैं तो आपको बड़े ही इजीली तरीके से दे देता है। और ये जो 50 से 60 ग्राम की जो सरसों की खली होगी ये लगभग आपको 3 से 4 पौधे के लिए पर्याप्त होगा। तो इस तरह से जो इसका फर्टिलाइज़र तैयार कर लेना है, इसके लिए आपको जो सरसों की खली होती है उसको पूरी तरह से दोस्तों छोटा छोटा टुकड़े में कर सकते हैं, जिस तरह से स्क्रीन में देख सकते हैं। इसको फिर आपको 12 से 14 घंटे तक आपको पानी में भिगोकर रख देना है। उसके बाद कुछ इस तरह से हल्के पीले रंग में एक घोल तैयार हो जाता है हमारे पास। तो उसको दोस्तों डायरेक्ट पौधों की जड़ को देना होता है और इसको देने के बाद हमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो चलिए हम इसमें अब जो हमने फर्टिलाइज़र तैयार किया है इसको डाल देते हैं। इसको दोस्तों कुछ इस तरह से आपको डालना है, साथ में दोस्तों आप गोबर की खाद इसको इसमें मिक्स कर सकते हैं, जिसे गोबर में रखने वाले न्यूट्रिशन होते हैं कि जीवाणु होते हैं वो पौधे के लिए बेहतर काम करते हैं। हमारे पास अभी फ़िलहाल में 2 ही पौधे हैं, तो इसको दोस्तों हम इन दोनों पौधों में कुछ इस तरह से डाल दे रहे हैं। तो ये दोस्तों डल गया, अब हमें इसके साथ अब पानी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना आप जब मिट्टी कच्ची हो तब इस खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो ये दोस्तों अब हमें 1 से 2 वीक के अंतराल हमें देखने को ये मिलेगा कि जो पौधा है उनमें बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सभी पौधों में दोस्तों जो फल और फूल की संख्या उनमें वृद्धि होगी, साथ में जो इनमें पोषक तत्व हैं, जो इनमें खाने में जो स्वाद रहेगा वो बेहतर तरीके से हमें देखने को मिलेगा। नई दोस्तों इनमें शाखाएँ आएंगी जिससे फल में वृद्धि होगी, पौधे भी बहुत ही जल्दी विकास करना शुरू कर देगा। तो ये जो प्रक्रिया है आपको 1 मंथ में 2 बार आपको इसको अप्लाई करते रहना है जब तक कि आपका पौधा स्वस्थ हो, अच्छा हो, तो जिससे आपका जो पौधे की ग्रोथ है उसमें और बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये था एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।